जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इस मुठभेड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के दो अधिकारी और दो जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। बताया जा रहा है कि यह संख्या आगे बढ़ सकती है। वहीं इस मुठभेड़ में बलिदानियों में कैप्टन MV प्रांजल, कैप्टन शुभम और हवलदार माजिद शामिल हैं। वहीं इनके अलावा मेजर मेहरा घायल हुए हैं और उन्हें उधमपुर स्थित कमान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, उनके बाजू और सीने में गोलियां लगी हैं और उनकी हालत फिलहाल को स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये मुठभेड़ राजौरी के कालाकोटे तहसील के बाजी माल इलाके में तब हुई जब घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया था। अतिरिक्त बलों को इलाके में भेजा गया है। इसको लेकर स्थानीय निवासियों ने बताया कि इलाके में सक्रिय आतंकवादियों का पता लगाने के लिए रविवार को इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ऑपरेशन के कारण हमें घर पर ही रहने और बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही हमारे बच्चे भी घर पर थे और स्कूल नहीं गए थे। आपको बता दें कि राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में पिछले 1.5 सालों में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। बीते 17 नवंबर को राजौरी जिले के गुलेर बेहरोटे इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी भी मारा गया था।